आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा बैंक रोड स्थित अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को स्वतंत्रता आंदोलन अथवा हर घर तिरंगा के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा जिसमें मुख्य अतिथि अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और काम के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से देश के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके। वहीं अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी ने कहा कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय सांस्कृतिक विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न विद्यालयों को संग्रहालय से जोड़ने की योजना के अंतर्गत जनपद के सभी स्कूल कॉलेजों को प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा उजागर होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरणमयी तिवारी एवं राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध आधारित जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था उसकी प्रति भेंट करते हुए विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर संग्रहालय के तरफ से आजादी का किरणमयी तिवारी अमृत महोत्सव के अंतर्गत संग्रहालय के सर गौतम सर द्वारा बच्चों के मनोबल बढ़ाने और जानकारी को बढ़ाने के ध्येय से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और हमारे बच्चे जो हैं बड़े उत्साहपूर्वक भाग भी लिए और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 57 पुरस्कार प्राप्त किए। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है और सर से ये कहना है कि इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करें ताकि बच्चों की हर विषय की जानकारी भी हो, साथ ही साथ बच्चों का पुरस्कार प्राप्त करके उनका मनोबल बढ़ता रहे। संग्रहालय का ये बहुत अच्छा प्रयास है। चित्रकला के माध्यम से और बाकी लोगों में बच्चों में क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चों में एक विषय रखा, इन्होंने तत्काल विषय रखा, बच्चों ने अपने बौद्धिक क्षमता से उस चीज़ को पहचाना और अपनी तुलिका के माध्यम से उसको चित्र में उड़ेला, ये उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हर घर तिरंगा एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इस विषय पर सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत हो और प्रतिस्पर्धा के प्रति भी बच्चे तैयार हों और इस चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया है।
यहाँ पे करीब 40 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और यहाँ पे जो विद्यालय है उसके प्रधानाचार्य एवं कला की शिक्षिका ने सहयोग किया, जिसके माध्यम से हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में सफल हुए।